الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما के साथ एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ، کچھ تفسیری فوائد اور اسی کے تحت جو موضوع مجھے فرمایا گیا ہے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں وضاحت کر دوں تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو، میں دیر سے آیا نہیں ہوں، دیر سے لایا گیا ہوں۔ تقریب جو دیر سے شروع ہو رہی ہے اس میں منتظمین کا مسئلہ ہے کہ ان کی کوئی مجبوری یا کیا سلسلہ تھا۔ میرے پاس وہ 11 بجے پہنچے تھے اور میں اسی وقت ان کے ساتھ آ گیا۔ مجھے یہاں بتایا گیا کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے، گاڑیاں بھر کر لائے، اپنے اسپیکر ساتھ لائے، انہوں نے آ کر یہاں جو چاہا کہا اور اس کے بعد یہاں سے وہ چلے گئے۔
तो वो कुछ गलत बातें कर गए और आप लोगों में से किसी ने उनके सामने पूछने की जुर्रत नहीं की कि जो बातें तुम कर रहे हो इसका क्या सबूत है, क्या हकीकत है। वो लोग जो इस तरह आकर लोगों को बहकाते हैं उनका काम यही है कि वो गंद डालें। अगर आप तारीख पढ़ें तो एतराज करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा पर, अहले बैत पर एतराज करना ये दुश्मनों का तरीका था। और अल्लाह के प्यारों की शान बयान करना ये अल्लाह ने हमारा नसीब रखा है, हम इस पर उसका शुक्र अदा करते हैं। किस्मत की बात है, जिसके हिस्से में जो बात आई, किस्मत के माने जो हिस्सा बांटा गया, तो जिसकी किस्मत में जो आया वो वही कर रहा है। इनकी किस्मत में बुराई करना है, हम शुक्र करते हैं हमारी किस्मत में नबी की नात सुनना है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। अल्लाह हमें इसी पर कायम रखे। ये कोई हलवे मांडे के झगड़े का या बंटवारे का कोई मसला नहीं, कोई जाती निजा झगड़ा या लड़ाई नहीं, हक की बात करना फिरका वारियत नहीं, लोगों को हक की तरफ बुलाना ये काबिले एतराज बात नहीं। मगर अफसोस कि जो लोग बहकाते हैं उनको आजादी है, जो लोग हक की बात करते हैं उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। ना हुकूमत सुधरती है, ना इदारे सुधरते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों में बेदारी है, वो खुद इस बात को महसूस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज मुझे मौजू दिया गया है सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के अकीदे क्या थे। क्योंकि जब भी कोई बात की जाती है लोग कहते हैं क्या सहाबा ने ऐसा किया, मिलाद मनाए तो पूछते हैं क्या सहाबा ने मनाया, नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूमे तो कहते हैं क्या सहाबा ने चूमे, फातिहा दिलाए तो कहते हैं क्या सहाबा ने ऐसा किया। हालांकि ये कोई उसूल नहीं है। मुझे शरीयत की किताबें दिखा दें जहां लिखा हो ये उसूल है कि जो सहाबा ने किया है वो करना है, जो उन्होंने नहीं किया वो नहीं करना। ये उसूल नहीं है। उसूल ये है कि शरीयत और सुन्नत में जो चीज जायज है उसको कोई गलत कह सकता, जरा ऊंची कहिएगा, नहीं। जिसको शरीयत और सुन्नत गलत नहीं कहती उसको कोई गलत कह सकता नहीं, और जिसको शरीयत और सुन्नत जायज नहीं कहती उसको कोई जायज कर सकता नहीं। अदिल्लाए शरईया, शरीयत की दलीलें चार हैं। कितनी चार। बोलने पे टैक्स तो नहीं है ना, जरा आवाज लगाएं, कितनी चार। ये मसला ही चार का है। अगर मैं सिर्फ चार के मौजू पे तकरीर करूं तो सुबह के चार बज जाए। अल्लाह के नाम के हरफ कितने हैं, कितने चार। अलिफ लाम लाम हे, ये मेरा हाथ देखें ये अल्लाह लिखा हुआ है, अलिफ लाम फिर लाम और ये हे। अपना हाथ देखें, ये भी शरीयत की तालीम है। ए बंदे अपने हाथ पर देख क्या नक्श है, फिर इस हाथ से गलत काम क्यों करता। अल्लाह के नाम में हरफ चार, नबी पाक का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने हरफ हैं चार। मीम हे मीम दाल, ठीक है। कुरान कितने हरफ हैं, काफ रे अलिफ नून, कितने हैं चार। सुन रहे हैं आप,
अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्ते बनाए, उनमें बड़े कितने हैं? चार। जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल अलैहिमुस्सलाम, ठीक है। आसमान से कितने सहीफे नाजिल हुए, कोई बताए? पीछे से आवाज सही आई है, सामने कोई नहीं? 104। कितने? उनमें मशहूर और बड़े कितने? चार। तौरात, जबूर, इंजील और कुरान, ये बड़े हैं। बाकी भी सारे जितने हैं वो भी मानते हैं, सोहूफ़ इब्राहीम व मूसा कुरान में नहीं, सही पे नाजिल हुए। टोटल 104, मशहूर और बड़े चार। दीन कितने हैं जरा ऊंची? चार। ये दीन इस्लाम आखिरी है, इसके बाद कोई और दीन नहीं। पहले दीन ईसवी, दीन मूसवी, वो सारे मनसूख हो गए, अब वो बाकी नहीं है। अगर इसी तरह और भी आपसे पूछता रहूं तो आइए शरीयत के सिलसिले भी चार, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, कितने हुए? तरीकत के सिलसिले भी चार, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कितने हुए? चार। नबी पाक के सहाबा बहुत बड़े कितने? चार। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैंने कहा ना ये सिलसिला लंबा। साइंस ये कहती है पूरी दुनिया चार चीजों से बनी है, पानी, हवा, मट्टी और आग। ये अनासिर अरबा, फोर एलिमेंट्स कहलाते हैं, सारी दुनिया इनसे बनी है। किसी ने इन्हीं चीजों को सामने रखकर दो शेर बहुत अच्छे कहे, वो कहते हैं चार रुसुल हैं दीन चार, चार कुतुब हैं दीन चार, फरिश्ते भी चार बड़े, रसूल भी अगर देखें नबी पाक के बाद हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत नूह, ये चार इनके दर्जे बड़े हैं। उनका भी चार का सिलसिला, किताबें भी बड़ी चार, दीन भी चार, चार रुसुल फरिश्ते चार, चार कुतुब है दीन चार, सिलसिले दोनों चार चार, लुत्फ अजब है चार में, सिलसिले दोनों चार चार, शाम में नहीं लगते। कोई दीनी बात से, ईमानी बात से आप खुश होते हैं, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेते हैं तो जब भी ले पता चले मुसलमान बैठे हैं और उनमें जोश है, जज्बा है, आवाज यहां से मदीने जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, खतीबे पाकिस्तान। मैंने कहा ना ये सिलसिला चार का, अगर बढ़ गया आगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी। बात क्या कर रहा था? अदिल्लाए शरईया, शरीयत की दलीलें कितनी हैं? चार। जो मैंने आयत पढ़ी इसका नंबर 13, 3 और 1 4। मेरा नाम कौकब है, कौकब में हरफ, आप खाते हैं रोटी उसमें भी हरफ, पीते हैं चाय उसमें भी हरफ,
चार और उन पर भेज दें चार हरफ, ठीक है ना। जो नहीं मानते उन पर चार हरफ, दुरुस्त मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो फरमाएं। चार दलीलें हैं शरीयत की। कुरान पहली दलील, उसके बाद हदीस, फिर इजमा जिस पर उम्मत जमा हो, चौथी कयास। ये चार, जो चीज इनसे साबित हो जाए वो मानी जाएगी। अब कोई ये कहे कि जी सहाबा ने नहीं किया तो ये कोई उसूल नहीं, और जो काम सहाबा ने किए फिर कोई ना करे तो अब उसको सोचना है। आइए, लोग आज सिपाही सहाबा कहलाते हैं मगर उनके अकीदे सहाबियों वाले हैं या नहीं, आइए मैं आपको सुनाता हूं। पहले सुने कुरान की आयत, उसका तर्जमा, और उसके बाद मैं आपके सामने तफसील पेश करूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमना नास, और जब इनसे कहा जाए, किन से कहा जाए, मुनाफिकों से, बेईमानों से, बदमजहबों से। आयत उतरी थी, पहले मुखातिब थे वो मुशरिकीन मुनाफिकीन जो वहां रहते थे मक्का मुकर्रमा में, पहले मुखातिब वो, उसके बाद जितने भी उनके तरीके पर हैं। जब इनसे कहा जाए ईमान लाओ, कमा आमनन्नास, जैसे और लोग ईमान लाए, यहां और लोगों से मुराद है सहाबाए किराम, क्योंकि सबसे पहले वो ईमान लाए थे, वो मुराद है। तो इन लोगों से कहा जाए ईमान लाओ जैसे ईमान लाए सहाबाए किराम। कालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफहा, तो ये कहते हैं क्या हम अहमकों की तरह, बेवकूफों की तरह ईमान ले आए। जब इन लोगों ने, बेईमानों ने सहाबाए किराम को अहमक बेवकूफ कहा, अल्लाह जवाब इरशाद फरमाता है, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यालमून। सुन लो, जान लो, खबरदार, जो लोग सहाबा को बेवकूफ कहते हैं ये खुद बेवकूफ है, ये खुद अहमक है, मगर इनको अपने बेवकूफ होने की खबर ये जानते नहीं। कुरान करीम की इस आयत से क्या मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। सहाबा का ईमान मेयार बना दिया गया, वो लोग दूसरों के लिए मिसाल हो गए कि अब इनकी तरह ईमान लाओ। तो उन लोगों ने आगे से मजाक उड़ाया और कहा कि ये जो ईमान लाने वाले हैं महाज अल्लाह, ये तो बेवकूफ हैं। तो जब उन्होंने उनके लिए, सहाबा के लिए ये गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ कहता है खुद बेवकूफ है और उसको अपने बेवकूफ होने की खबर नहीं। तवज्जो चाहता हूं सबकी, सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी बातें थी जिनकी वजह से ये लोग सहाबा को ऐसा कहते थे। मालूम होना चाहिए, अगर बात करें नमाज की तो नमाज को मुनाफिक भी पढ़ते थे, रोजे की बात करें रोजा मुनाफिक भी रखते थे, ज़कात हज वो भी करते थे, दूसरी नेकियां भी वो करते थे। आखिर वो किन बातों पर सहाबा को बेवकूफ कहते थे माज़ अल्लाह। तो कहने वाले कौन थे, मुशरिक और मुनाफिक। बयान है मुनाफिकों का, अगर इससे पहले की आयतें देखें तो मुनाफिकों का बयान है। चुनाचे आपकी तसल्ली के लिए आपको बताऊं, इससे पहले की आयतों में देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमिनन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर,
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر آخرت پر ایمان لائے, قیامت کے دن پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین, اللہ فرماتا ہے اور وہ مومن نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم قیامت کو مانتے ہیں, یوم آخر کو مانتے ہیں, اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یہ مومن ذرا اونچی. کیا بات, کیا وجہ ہے, کیوں مومن نہیں؟ سنے قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں بیماری ہے. اب آپ لوگ جتنے ہیں سمجھدار پڑھے لکھے, مجھے بتائیے کیا ان کا دل زیادہ دھڑکتا تھا؟ کیا دل کی دھڑکن کی رفتار میں فرق تھا؟ کیا ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی, پلپیٹیشن, خفقان, استلاج قلب تھا؟ نہیں. تو پھر دل میں بیماری کیا تھی؟ ان کے دل میں بیماری یہ تھی کہ ان کے عقیدے درست نہیں تھے, ان کے عقیدے درست نہیں تھے, عقیدے خراب تھے. اللہ نے فرمایا ان کے دل میں بیماری ہے, اور اس کا صلہ ان کو کیا ملتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے. اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی, ان کو شفا ملتی. تو اب جو بیمار ہے بیماری پھیلائے تو بولیے اس کی بیماری کو قبول کرنا چاہیے؟ کوئی وبا پھیلے تو آپ ٹیکے لگواتے ہیں کہ وہ بیماری ہم کو نہ لگے. اسی طرح دل کی بیماری, عقیدے کی بیماری, اگر کوئی بد عقیدگی پھیلائے تو آپ کو اس سے بھی بچنا ہے. تو یہ بیان منافقوں کا ہے کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے, تو یہ صحابہ کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی باتیں تھیں جن پر یہ صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہتے تھے. اب ان کو سن کر اندازہ کر لیجئے کہ جو صحابہ کے غلط لفظ استعمال کرتا ہے وہ خود غلط ہے. آپ کو صحابیوں کے عقیدے سن کر معلوم ہو جائے گا کہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کے سچے غلام ہیں. اور قرآن نے گواہی دی والذین تبعوہم بإحسان, جو بھلائی کے ساتھ سے ابا کی پیروی کرے گا ان کے نقش قدم پر چلے گا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, علماء سنت, خطیب پاکستان. توجہ چاہتا ہوں, پہلے آپ کو بنیاد سمجھاؤں. ایک ہے مسلمان, ایک ہے کافر. مومن مسلم اور دوسرا کون ہے؟ کافر. کافر انکار کرنے والا, مسلم تسلیم کرنے والا, ماننے والا. ٹھیک ہے, مومن کی زبان پر ایمان کا کلمہ ہوگا, دل سے اس کی تصدیق ہوگی. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اب کل ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں نا, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں دل سے اس کی تصدیق. کافر کی زبان پر کفر کا کلمہ ہوگا اور دل سے اسلام کی تکذیب ہوگی. وہ دل سے جھٹلائے گا, زبان سے بھی جھٹلائے گا, دل سے بھی جھٹلائے گا. مومن زبان سے مانے گا, دل سے بھی مانے گا, مگر ایک درمیانی جنس ہے, درمیانی, نہ ادھر نہ ادھر. وہ کون ہے؟ ان کو قرآن نے کہا منافق. کیا کہا؟ منافق. ان کا کیا حال ہے؟ زبان پر کلمہ ایمان کے ہے, دل میں ایمان نہیں. یہ درمیانی جنس, جس طرح آپ سمجھ لے گئے تو ہم ایک ہے مرد, ایک ہے اور, ایک درمیانی جنس کی تو ہوتی ہے وہ جو کچھ ہوتی ہے. آپ اسی طرح جانتے ہیں, وہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک ہے مسلمان,
درمیانی جس ان کا حال بھی اللہ فرماتا ہے کیا حال ہے ان کا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں مانتے ہیں وَإِذَا قَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اور جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو بتائیے ان کا کوئی ایمان ہوا مسلمانوں کے پاس آئے کہا تمہارے ساتھ ان کے پاس گئے کہا تمہارے ساتھ تو ایسے لوگ درست نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں اب آپ نے جان لیا کہ یہ درمیانی جنس ہیں تو ان درمیانی جنسوں کا حال کیا ہے کہلاتے تو اپنے آپ کو صحابہ کے غلام ہیں مگر کسی کی پیروی کرتے میں نے نام لیا دیوبندی وہابی کہا ہے میں نے نام تو نہیں لیا نا اب آپ توجہ سے سن لیں میں آپ کو سناتا ہوں صحابہ کے عقیدے کہ یہ لوگ منافق کن باتوں پر صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف یا احمق کہتے تھے آپ نے وہ باتیں سننی ہیں اور دیکھنا ہے کہ آج بھی ہم اہل سنت و جماعت کو جو لوگ غلط کہتے ہیں یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے سنیں توجہ سے واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے میں اس میں سے چند سناؤں گا آپ حضرات نے بڑی توجہ سے سننا بخاری میں روایت موجود قرآن کے بعد جس کو سب سے زیادہ صحیح کتاب کہا جاتا ہے بخاری بعد از کتاب باری بخاری اس میں روایت موجود عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے بعد میں مسلمان ہوئے صحابی بن گئے پھر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مگر جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تھے یہ عروہ دیکھنے کے لیے آیا نبی پاک کو دیکھ کر واپس گیا لوگوں نے کہا سنا بھائی کیا دیکھ کر آیا وہ عروہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے راجے مہاراجے دیکھے نواب دیکھے امیر دیکھے وزیر دیکھے سفیر دیکھے مگر میں نے جو منظر دیکھا وہ عجیب دیکھا اصحاب محمد صحابہ کرام جتنی عزت جتنی تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں اور جیسی کرتے ہیں یہ منظر میں نے کہیں اور نہیں دیکھا اللہ انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھ لیا کیا دیکھا ہمیں بھی سنا اس نے کہا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا یہ منظر کہیں اور نہیں دیکھا سنو میں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کا نبی وضو کرنے لگتا ہے نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ جب وضو کرنے لگتا ہے صحابہ سارے کام چھوڑ کے جمع ہو جاتے ہیں نبی کے ارد گرد جیسے شمع کے گرد پروانے گھیرا ڈال لیتے ہیں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ نبی جو وضو کرنے میں پانی استعمال کرے وہ پانی زمین پر نہ گرے گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے وہ نہیں چاہتے کہ یہ پانی زمین پر گرے محبت ہے ان کو حالانکہ کسی مفتی مولوی کو بلاؤ اور اس سے پوچھو مائے مستعمل وہ پانی جو استعمال ہو جائے وہ دوسرے کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ نے ایک پانی سے وضو کر دیا اور وہ پانی بہتا ہوا جا رہا اس سے دوسرا آدمی وضو کر سکتا نہیں لیکن مائے مستعمل کا حکم سب جانتے ہوئے بھی وہ صحابہ کرام جو آج کے مفتیوں سے زیادہ جانتے تھے نبی کے گرد جمع ہو رہے ہیں نبی ان کو ڈانٹتا نہیں کہ یہ مائے مستعمل ہے اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا نبی ان کو نہیں روکتا صحابہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نبی جو پانی استعمال کرے وہ زمین پر نہ گرے گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے اور جن کے ہاتھوں پر گرتا ہے وہ پانی وہ اس پانی کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ اپنے منہوں پر پھیر لیتے ہیں آج ایسا کریں تو وہ لوگ فتوے لگتے ہیں یا نہیں پورا دیوبند
पूरा पाकिस्तान उनकी मशीन गन फतवों की शुरू हो जाती है या नहीं हो जाती? तो बताइए, सहाबा ने नबी पाक के इस्तेमाल शुदा पानी का अदब किया या नहीं किया? पूछ रहा हूं। तो आज अगर बुजुर्गों के इस्तेमाल शुदा किसी तबर्रुक के इस तरह समझा जाए, फौरन उस पर फतवे शुरू हो जाते हैं। ये लोग जानते नहीं। और वह कहते हैं, मैं देखता मुझे यूं लगता कि सहाबा अभी आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़कर जुस्तजू होती थी कि ये पानी हमें मिले, हर कोई लेने की कोशिश करता था। नहीं, नबी पाक थूक मुबारक निकालते हैं, सहाबा उसको भी नीचे नहीं गिरने देते, उसको करीम की तरह अपने मुंह पर मल लेते हैं, अपने बदन पर मल लेते हैं, और लेने के लिए यूं झपटते हैं जैसे एक दूसरे को मार देंगे कि तू पीछे हट, मैं आगे जाऊंगा। नहीं, अभी रिवायत खत्म नहीं हुई। सुने, सबको तो वो पानी नहीं ना मिलता था, जो आगे हाथ फैलाए उनको मिल गया, जो पीछे है, जो पीछे रह गए उनको नहीं मिला। वो पीछे वाला आगे वाले से कहता था, क्या तुझे पानी मिला? वो कहता था हाँ। कहता था अपना हाथ फैला, वो उसके हाथ पर हाथ मल के अपने मुंह पे बन लेता था। पाकिस्तान। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता क्या चला मुझे और आपको? मालूम क्या हुआ कि सहाबा का अकीदा ये है, जो चीज नबी से लग गई उसमें बरकत आ गई, और वो बरकत लेते हैं, नबी उनको टोकता नहीं है, सहाबा खुद ऐसा करते हैं, और एक बार नहीं करते, बार बार करते हैं। तो मालूम हुआ सहाबी का अकीदा ये था, नबी हम जैसा नहीं, हमसे बहुत अफजल है, और ऐसा है कि जो चीज से लग जाती है वो भी अफजल हो जाती है। और आज मुल्ला जी को कुछ और आता ही नहीं है, कहते नबी भी बशर हम भी बशर, रख लेते कोई सुबह सुबह कहीं भूल लग जाए तो सारा दिन जैसा गुजरता है। आप जाते इनकी एक आप दूसरी से मिलती नहीं है कि नबी से मिलेंगे। नहीं बल्कि उन्होंने नबी को अफजल जाना, और जिन्होंने अफजल जाना उन्हीं को इज्जत मिली है, उन्हीं को मर्तबा और मकाम मिला है, उन्हीं को शान मिली है, क्योंकि नबी जानते थे हमें नबूवत मिली है तो मुस्तफा की बरकत से मिली है। वो जानते थे ये कायनात बनी है तो उस नबी की बरकत से बनी है। हजरत आदम अलैह सलाम जन्नत से जब जमीन पर उतारे गए, 300 बरस तक रोते रहे, दुआ करते रहे, आखिर में उन्होंने 300 बरस के बाद मेरे नबी पाक का वसीला लिया, वसीला लेकर दुआ की, या अल्लाह अपने उस हबीब के सदके मेरी खता को माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तुमने उनको कैसे पहचाना, कैफ आरफ्ता बिही, तुम उनको कैसे जानते हो? हजरत आदम कहते हैं, मौला जब तूने मुझे बनाया, मैंने जब तेरे अर्श के सामने सजदा किया, जब सर उठाया तो अर्श के पायों पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मसला और निकला, हजरत आदम अभी पैदा हुए हैं, पढ़ना सीखा और पढ़ रहे हैं, अभी पैदा हुए हैं, अल्लाह ने बनाया है, अभी बनाया है, उन्होंने अल्लाह के अर्श के सामने सजदा किया,
سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر جو عبارت لکھی ہے وہ پڑھ رہے. انہوں نے پڑھنا سیکھا تو وہ لوگ کہتے ہیں جو نبی نہیں جانتا, ارے نبی کہتے ہی اس کو ہے جو سب کچھ جانتا ہے. لفظ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کو نبی بھی کہتے ہو اور پھر اس کے علم کا انکار کرتے ہو. علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی لغت مصباح اللغات, اس میں نبی کا معنی دیکھو, النبی جو المخبر عن الغیب, نبی کہتے اس کو ہے جو غیب کی خبریں دے. ارے نبی عالم ہوتا ہے, جاہل نہیں ہوتا. آپ کی حکومت کسی جاہل کو سفیر نہیں بناتی, اللہ کسی جاہل کو نبی کیسے بنا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. نبی جاہل ہوتا, نبی کو جاہل کہنے والا بلکہ ابو جہل, جہل جہالت کا باپ. میرا جاہل نہیں بلکہ ابو جہل بن جاتا ہے. میرے دوستو اور بزرگو توجہ فرمائے, حضرت آدم نے کہا یا اللہ میں نے جنت کے پتوں پر, حوروں کی پیشانی پر, جنت کی چوکھٹ پر, تیرے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا, تو نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا. میں نے جان لیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ ضرور تیرا کوئی پیارا ہے. اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے صحیح پہچانا, اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا, کچھ بھی نہ بناتا, تجھے بھی پیدا نہ کرتا, نہیں نہیں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو نے صحیح پہچانا. اب ذرا جو بات سنانے لگا ہوں دل کے کانوں سے سنیے گا. اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے ان کے وسیلے سے صرف اپنے لیے معافی مانگی ہے, اگر تو سب کے لیے معافی مانگتا ہم سب کو معاف کر دیتے. ہم سب کو, زمین والوں آسمان والوں کے لیے معافی مانگتا ہم سب کو معاف کر دیتے. یہ بات شیطان سن رہا تھا. شیطان یہ بات سن رہا تھا. اس نے کہا بابا 300 سال تک روتا رہا ہے, اللہ مہربان نہیں ہوا. اللہ نے مہربانی کا اظہار نہیں فرمایا. بابے نے وسیلہ لیا ہے تو اللہ فوراً مہربان ہو گیا. نبی کا وسیلہ لیا تو اللہ فوراً مہربان ہو گیا, اور اتنا مہربان ہوا کہ اللہ نے فرمایا تو نے تو صرف اپنے لیے معافی چاہی ہے, اگر تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کے لیے معافی مانگتا ہم سب کو معاف کر دیتے. اس نے یہ بات نوٹ کر لی کہ میں نے آج کے بعد ساری محنت اس بات پہ کرنی ہے کہ وسیلہ شرک ہے, کیونکہ جو بگڑی بنتی ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ کہہ دیجئے جو مانتے ہیں وہ بولیں, دوسرا نہ بولے, ذرا دیکھ لینا کون نہیں بول رہا. کس سے بنتی ہے؟ اس نے نوٹ کر لیا. اب آپ دیکھ لیں, وہ آپ کو نماز سے نہیں روکے گا, روزے سے نہیں روکے گا, زکات سے نہیں روکے گا. جس نے بنوانی ہے وہ وسیلہ لے, جس نے نہیں بنوانی وہ نہ لے. جھگڑا ختم, ٹھیک ہے نا؟ جس کو اپنے آپ کو بخشوانا ہے وہ وسیلہ لے, جس نے نہیں بخشے جانا وہ بھلے سے. ہم تو لیتے ہیں انشاءاللہ لیتے, ہمیں پتا ہے بغیر وسیلے کے بات بنتی. اور یہ جو وسیلے کے منکر ہیں, اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں, کیا یہ ڈائریکٹ آئے گا؟ وسیلہ نہیں ہے درمیان میں. اگر وسیلے کا انکار کریں تو ویسے کوئی حلالی نہیں مانے گا. پوچھو ان سے کیسے آئے ہو, انکار کرتے ہیں وسیلہ شرک. تمہارے لیے شرک, ہمارے لیے شرک. میرا خیال سمجھا دوں بات, بغیر سمجھائے شاید بات نہ بنے. یہ سامنے کوئی بلڈنگ ہے, کتنے منزلہ ہے یہ؟ 4 منزلہ. کوئی 3 کہہ رہے ہیں, کوئی 4. چلو جی 3 ہو 4 ہو 5 ہو, آپ گنتے رہنا, مجھے فرصت نہیں. توجہ کریں, پہلی منزل سے جب اوپر جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ سیڑھیوں سے. سیڑھی کیا ہے؟ وسیلہ. کوئی اور ذریعہ اوپر جانے کا؟ کوئی اور طریقہ اوپر جانے کا بتا دیں؟ لفٹ ہو تو. لفٹ وسیلہ ہے یا نہیں؟ لفٹ سے اوپر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ 2 ہو گئے. اور کوئی طریقہ؟ رسی.
ये जितने रस्सी से चढ़ने वाले हैं उन्होंने नाम लिया, पहचान लो। रस्सी। अच्छा जी, और कोई जरिया? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो लोग कैसे कैसे चढ़ते हैं। और कोई तरीका? पाइप। सही कहा, पाइप भी जरिया है, पाइप से लोग चढ़ जाते। अच्छा, इतने मजमों में सैकड़ों आदमी बैठे हैं, बताइए कोई बगैर वसीले के ऊपर जा सकता है? जिसको बहुत ज्यादा ताकत पे नाज हो वो बताया जा सकता है? पक्की बात? कोई शुबा है? अच्छा, ऊपर से नीचे आना हो तो डायरेक्ट, किसी वसीले की जरूरत, सीधा नीचे आएंगे या नहीं आएंगे पूछ रहा हूं। अब पता चल गया कि ऊपर बगैर वसीले के जा सकते नहीं और नीचे आने के लिए वसीले की जरूरत। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, अब आप बताएं, आप में से पूछता हूं, जन्नत में जाना है? अच्छा, जिनकी आवाज आई उनका इरादा है, बाकी का नहीं है, यही है ना? जाना है इंशाल्लाह हमने, इंशाल्लाह हमने, अल्लाह ने जन्नत बनाई नबी के गुलामों के लिए। अलाजत फरमाते हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह हम सब ने जाना। जन्नत कहां है? मैंने लतीफा नहीं सुनाया आपको, क्योंकि आप ये ना कहें कि बार बार एक ही लतीफा सुनाता हूं, हालांकि मशहूर लतीफा है। स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों से पूछा जन्नत में कौन कौन जाएगा, सबने हाथ खड़ा कर दिया, एक ने नहीं किया। मास्टर साहब ने पूछा क्यों भाई तुमने नहीं जाना? कहने लगा मेरी अम्मी ने कहा था स्कूल से सीधे घर आना, तो आपको लोगों ने कह के ना भेजाओ कि मौली साहब के साथ कहीं चले ना जाना। हम सब ने इंशाल्लाह जन्नत में जाना है। अब मुझे ये बताओ जन्नत कहां है? सातों आसमानों के ऊपर। और दोजख कहां है? सातों जमीनों के नीचे। कुरान में ना इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, कि जन्नत सिदरा के पास और सिदरा सातों आसमानों के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले आप सब ने कहा ऊपर बगैर वसीले के जा सकते और नीचे के लिए वसीले की जरूरत। ठीक है ना? तो जिन्होंने ऊपर जाना है वो वसीला मानते हैं, जिन्होंने नीचे जाना है वो मानते। पता चल गया? अब आप खुद सोच लो, जिसने ऊपर जाना वो मानेगा, जिसने नहीं जाना वो मानेगा भी। कोई आपके सामने कहे वसीला शिर्क, कहने का तू बिल्कुल ठीक कहता, क्योंकि जहां तूने जाना है वहां वसीले की जरूरत नहीं, वहां के लिए वसीला शिर्क। और हमने जहां जाना वहां बगैर वसीले के जा सकते नहीं। मेरा ये मौजू नहीं है वसीला, वरना मैं इसी पे दलीलें कायम करता। एक दलील जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने दलील अभी आपको सुनाई है, हो सकता कोई कहे कि ठीक है बड़ी अच्छी अकल में आती है, लेकिन हमें और दलील चाहिए। आओ वो दलील सुनाऊं जिसका कोई इनकार ना कर सके, ना कर सके। नमाज पढ़ते हैं आप? पांच वक्त की जो नमाज पढ़ते हैं जरा आवाज लगाए, ढीले हो गए ना? यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है। हम नमाज पढ़ते नहीं। नमाज पढ़ा करो, फर्ज़े ऐन है। रोज़े महशर के जां गोदाज बोवत, अवली पुरसिश नमाज बोवत। कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, वो जिस दिन जान घुलती होगी, पहला सवाल कौन सा होगा? नमाज का। नबी पाक फरमाते जिसकी ये ठीक होगी उसका सारा मामला ठीक होगा, और जिसकी ये ठीक नहीं उसका कुछ भी ठीक। मुझे ये बताओ, आपको मुल्क का सदर या बादशाह बुलाए और कोई तोहफा दे, आप इनकार कर सकते हैं? अगर आप इनकार करेंगे क्या होगा? नाराज होगा या नहीं? वो आपसे दोस्ती रखेगा? आपको पसंद करेगा? नहीं, वो कह देगा कि इसके ऊपर नजर रखना, इसके साथ कोई रियायत नहीं करनी आज के बाद, इसने मेरा तोहफा कबूल नहीं किया। एक बादशाह का तोहफा कबूल ना करे वो नाराज हो जाता है, अपनी लिस्ट से आपको निकाल देता है। ये नमाज तो रब का तोहफा है,
عرش پر بلا کر دی اللہ نے، باقی سارے احکام زمین پر، یہ نماز وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کے یہ تحفہ دیا ہے، اگر ہم اس کو قبول نہ کریں بولے اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے. نماز کتنی پڑھتے ہیں دن میں؟ پانچ وقت، ٹھیک ہے نا، پانچ نمازیں. فرض کتنی ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے فرض کتنی ہوئی تھی؟ باقی 45 کہاں گئی؟ آ گیا نا مسئلہ سمجھ میں؟ وسیلہ اس کا انکار کر کے دکھاؤ. معراج کی رات آپ علماء سے سنتے ہیں یہ واقعہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر کے واپس تشریف لائے، راستے میں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں چھٹے آسمان پر. حضور کو روکا، حضور ذرا ٹھہریے، کیا بات ہے موسیٰ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت پہ کچھ فرض کیا؟ فرمایا ہاں 50 نمازیں. 50؟ حضور میری امت پہ دو فرض تھی، وہ دو نہیں پڑھتے تھے، 50 بہت زیادہ ہے. دن رات کے گھنٹے 24 نمازیں، 50 بہت زیادہ ہے. جائیے جا کے حضور کام کروائیے. موسیٰ علیہ السلام کی پکے سنی ہے کتنا پیارا، کہتے جائیے جا کے کام کروائیے، جائیے جا کے ذرا کہہ دیجیے. مجبوری نہیں ہے کہ اللہ ماننے پہ مجبور، ایسی بات نہیں. حبیب ہے، حبیب کی بات اللہ عطا کرتا ہے، جس کو حبیب بنایا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے، اس کی بات کو ٹالتا نہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں جائیے جا کے کم کروائیے. بخاری میں، مسلم میں، صحاح میں، حدیث کی متعدد کتابوں میں روایت موجود. مسلم شریف کا حوالہ، صحیح مسلم شریف، حضور گئے، یا اللہ نمازیں زیادہ ہیں، امت کمزور ہے، مہربانی فرما کچھ کم کر دے. اللہ نے فرمایا 5 معاف کی جاؤ، 45 پڑھے. حضور پھر آ گئے، حضرت موسیٰ نے کہا 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، زیادہ ہے، پھر جاؤ جا کے کام کرواؤ. تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ بھی اللہ کا حکم ہو گیا میں کیسے جاؤں، ایک بار چلا گیا اللہ نے مہربانی کر دی دوبارہ جاؤں؟ کوئی مذاق ہے؟ کوئی بادشاہ کے دروازے سے باہر نکل آیا دوبارہ اس کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، رب کی بار کا کیسے چلا جاؤں؟ نہیں. حضور پھر گئے، حضور یہ کسی اور کا مقام، موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں جائیے جا کے کام کروائیے. حضور پھر کہے 5 اور معاف ہو گئی، کتنی رہ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ 5 اور کم ہو گئی، 35، پھر جاؤ 30. 9 مرتبہ نبی پاک گئے، کتنی مرتبہ؟ کتنی معاف ہو گئی؟ 45. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ، 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی. حضور نے فرمایا موسیٰ مجھے اب رب سے شرم آتی ہے، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے. وہ اللہ نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، ہم نے تمہاری بات بھی مانی، بات ہماری بھی رہے گی. سنو محبوب، اپنی امت سے کہہ دو پڑھے 5 ثواب 50 کا دیں گے. اللہ، نعرہ
वो जब पाठ पढ़ेंगे हमारी बारगाह में आएंगे, हम रहमत का एक नुक्ता लगाकर 50 बनाएंगे, बात हमारी भी बदलेगी। बड़े 5 सवा 50 का ही मिलेगा, क्योंकि हमने कितनी फर्ज की है, 50। एक नुक्ता और, पूरे दिन की रकतें 5 नमाजों की बनाओ, 50 बनती है। कितनी बनती है? फजर की कितनी? 4। जोहर की कितनी? कोई सही बताए? हाँ, कौन बोला है? किसी ने 14 कहा, कौन है? माशाल्लाह, बिल्कुल सही। कितनी रकतें हैं और ऊंची याद कर ले, जोहर की रकतें कितनी? जुम्मे के दिन जो 2 आप फर्ज पढ़ते हैं, जो 2 बन जाते हैं, वो बाकी दिनों में नफल बनते हैं। वो फर्जों के बाद आप पढ़ें या सुन्नतों के बाद तरतीब में जहां रखें, लेकिन वो 2, 14 रकतें, 14 और 4 कितनी हो गई? 18। असर की कितनी? 8। 18 और 8 26। मगरिब की कितनी? 7। 26 और 7 33। और ईशा की कितनी? 33 और 17 50। हुई 50 या नहीं? अल्लाह की बात बदलती नहीं। फरमाया जो मेरे उम्मती हैं वो 5 पढ़ेंगे, 45 माफ हुई किससे? जरा ऊंची। मूसा अलैहि सलाम कह रहे फिर जाओ, 5 भी नहीं पढ़ी जाएंगी। हुजूर ने फरमाया जो मेरे उम्मती हैं वो, वैसे तो आप लोग सोचते ही होंगे जहां 9 मरतबा गए थे 1 मरतबा और चले जाते हैं, इन्हें फेरे लगाए सर एक और लगा लेंगे, 1 मरतबा और चले जाते मामला ही साफ हो जाता। हुजूर ने क्या फरमाया? जो मेरे उम्मती है वो, जो मेरे गुलाम है वो। अब मसला आ गया, फर्ज हुई थी 50, 45 माफ हुई नबी के वसीले से। और कौन नबी जिसकी वफात हो चुकी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2000 बरस पहले हजरत मूसा वफात पा चुके। और ये लोग जो जानते हैं आप बिस्तर लोटा पार्टी, ये तो वसीला मानते ही नहीं, और वफात पाए हुए का तो बिल्कुल नहीं मानते। तो इनसे पूछो, नमाजें फर्ज हुई थी 50, 45 माफ हुई वसीले से, वफात पाए हुए नबी के वसीले से, अगर वसीला गलत है तो पढ़ो 50। इनको क्या करना चाहिए? मैं तो कहूंगा यही 50 पढ़े, इनकी बड़ी मेहरबानी, ये 50 पढ़े, ना इनको फुर्सत मिले ना हम पर फतवे लगाए। बीवी इनकी रोए के घर में आटा नहीं, कह तेरे आटे को क्या करूं, यहां मेरी नमाज खत्म नहीं हो रही, लगे रहे नमाज, कुछ मिलेगा नहीं इनको, इनके कुछ हाथ आता। आपको ये दलील भी दे दी, इसका जवाब ला करते हैं, क्योंकि नमाजें तो फर्ज हुई थी 50, 45 माफ हुई है वसीले से, और किसके वसीले से? जो वफात पाया हुआ नबी है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, नबियों वलियों को मुर्दा ना कहो, अरे वो जिंदा है, जो इनको मुर्दा कहते हैं वो खुद मुर्दा है। ये नबी वली एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, मरते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात बहुत दूर निकल गई, सहाबाए किराम का अकीदा क्या है? जो चीज नबी से ताल्लुक रखती है उसमें बरकत होती है। मुनाफिक देखते थे, कहते थे देख ये बेवकूफ, और जिनको बेवकूफ कह रहे हैं अल्लाह फरमाता है ये मोहब्बत वालों को बेवकूफ कहते हो, तुम खुद बेवकूफ, तुम्हें अपने बेवकूफ होने की खबर नहीं। पता क्या चला? इससे हमें मालूम हो गया, सहाबी का अकीदा यह है कि नबी बरकत वाला है, जो चीज नबी से ताल्लुक रखती है उसमें भी बरकत होती है, उसमें भी बरकत होती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबियों ने बराबरी नहीं की, सहाबा ने बराबरी नहीं की, आज के लोग कहते हैं हमारे ही जैसे थे, जो पानी इनको लग जाता है वो केएमसी गटर में बहा देती है, उसको किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देती, बल्कि आपको हिदायत देते हैं, खबरदार ये पानी अगर इस्तेमाल किया तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान। और वहां से आबा का फीता यह है, जो पानी नबी से लग जाता है उसमें बरकत आ जाती है, उसमें बरकत आ जाती है। सुने तवज्जो से, सहाबी का फीता सुनाऊं, महीना है जमादियुल आखिर का,
इस हफ्ते में दुनिया खलीफाए अव्वल इस्लाम के मर्द अव्वल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर अस्सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौमे विसाल मना रहे हैं। सारी दुनिया याद कर रही है हजरत अबू बकर को, उनका अकीदा भी सुनो, जरा बात आई है ना नबी के जिंदा होने की, अकीदा सुनो। हजरत अबू बकर वसीयत फरमाते हैं, जब मेरी वफात हो जाए मेरा जनाजा पढ़ लेना, मेरा जनाजा पढ़ने के बाद मेरा जनाजा नबी पाक के हुजरे के सामने ले जाना, हुजरे के पास ले जाकर जनाजा रख देना, दरवाजा नहीं खटखटाना, बल्कि कहना या रसूल अल्लाह आपका यारे गार सिद्दीक अकबर हाजिर है। क्या कहना या रसूल अल्लाह, क्या कहना, क्या कहना, ऐ सिद्दीक अकबर कुर्बान जाए आपके अकीदे के, या रसूल अल्लाह। अगर या पुकारना शिर्क है तो बोलो उन्होंने कैसे कह दिया, ये भी देखे वफात के बाद या कह के पुकारना, पता चला सिद्दीक अकबर का अकीदा है या कह के पुकारना गलत नहीं। दूसरी बात, वो जानते हैं कि नबी जिंदा है, कहना आपका यार हाजिर, अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए मुझे नबी के कदमों में दफन कर देना, अगर दरवाजा ना खुले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। सिद्दीक अकबर का अकीदा ये है, नबी सुनता है, नबी जरा ऊंची कहिए नबी सुनता है, कह रहे दरवाजा खुद बखुद खुल जाए तो, वरना मुझे अंदर ले जाना नहीं। सिद्दीकी अकीदा ये है। और सिपाही से आपा कहलाने वालों, मदे से आपा की रैली जुलूस निकालने वालों, अगर वाकई से आपा को मानते हो तो सबसे अफजल से हफी का अकीदा बता रहा हूं, उनका अकीदा ये है कि नबी जिंदा है, नबी सुनता है, नबी मेहरबानी करता है। अगर तुम वाकई से आपा को मानते हो तो सिहाबी नबी को मुर्दा नहीं मानता, सिहाबी नबी को बेकुव्वत नहीं मानता, बल्कि उसका अकीदा ये है नबी सुनता भी है, नबी मदद भी करता है और नबी जिंदा है। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसाले फरमाए सुन्नत। सुने सुने, दरवाजा खुद ब खुद खुला, दरवाजा खुद ब खुद खोला। वाकया देखना चाहते हैं कहां लिखा है, मैं थानवी की किताब में दिखा देता हूं। मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी, मगर जो रब को नहीं मानते थानवी को कहां से मानेंगे। नाम लेते हैं उसका, कहते हैं हमारा हकीमुल उम्मत, हालांकि मेरा मरीजुल मिल्लत। कहां से वो हकीमुल उम्मत हो गया जो मानता, लिख भी रहा फिर भी मानते मानते। तो सूरज निकला हुआ हो और कोई कहे नहीं निकला तो आप सूरज का कसूर बताएंगे या कहने वाले का, यही चमगादड़ है तो कोई कसूर नहीं। जिस तरह चमगादड़ को सूरज का नूर नजर नहीं आता, इनको नबी का नजर नजर है। जिनको नूर नजर आया वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अकीदा हो तो ऐसा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो तो ये कहते हैं, फिर उनको चमक मिलती है या नहीं है? मिलती है या नहीं मिलती है। और ये मांगते नहीं, जब मांगते नहीं तो मांगते मिलता भी खाली। शक्ले देख लो, शामी कबाब दूर से नजर आएगा, नूर नूर नहीं। और जो मांगते हैं वो तो कहते हैं सरकार आपकी तो बड़ी शान है, आपकी तो बड़ी शान है। हमारा अकीदा क्या है, आपका तेरी नस्ले पाक में है,
बच्चा बच्चा नूर का। आपकी तो बड़ी शान। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान नूर या नूर होना ये भी इस वक्त मौजूद नहीं, बात आई मैं बयान करती, सुने तवज्जो से सुने। नबी की बराबरी तो नबियों ने भी नहीं की। सुने और सुने, आइए एक बड़ी प्यारी बात सुनो। सिद्दीक अकबर का पीता भी सुन लिया, उनका पीता है बेटा जिंदा, दो बातें आइए एक और सुनो। कोई मुश्किल कोई परेशानी से आदमी को आती है नबी बाप के पास आ जाते, कहां आते हैं वो नबी को मुश्किल कुशा मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर सब कह देंगे बड़ा मजा आएगा, नबी को क्या मानते हैं? सहाबा मुश्किल कुशा। और ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। और घर में चोर आ जाए पुलिस को मुश्किल कुशा मानते हैं, बीमार हो जाए डॉक्टर को मुश्किल कुशा मानते हैं, मुकदमा बन जाए तो वकील को मुश्किल कुशा मानते हैं, आपको मुश्किल नहीं। नहीं, थानवी की शान में अब्दुल माजिद दरियाबादी ने किताब लिखी, उसने थानवी को मुश्किल कुशा लिखा, अल्लाह ने भी लिखवा दिया लिखो। और नबी को मुश्किल कुशा ना मानने वालों लिखो ताकि तुम पे जूते पड़े। तो मानते नहीं ना नबी को, नहीं ना मानते, अब सबको मानना पड़ेगा। जो नबी को नहीं मानता फिर दर दर की ठोकरें खाता। नबी को मुश्किल कुशा नहीं मानते, सिहाबी का अकीदा है कोई मुश्किल आ जाए नबी दूर कर देता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक के पास आए, तवज्जो से सुने बड़ा प्यारा वाकया। सिहाबी का अकीदा क्या? हुजूर मुझे निसियान हो गया, भूल जाता हूं बात को, बात याद रहती नहीं, हाफिजा कमजोर हो गया है, तो मैं आपके पास आया हूं हुजूर मेरा हाफिजा अच्छा हो जाए। तो नबी पाक आगे से ये नहीं फरमाते मैं कोई हकीम बन के नहीं आया हूं, मैंने कोई दवाओं की दवाखाना नहीं खोला हुआ, हो सकता है तुझे खुश्की हो गई होगी, जरा जा पंजाब का कुछ देसी घी मंगवा, उसकी जरा को मालिश करवा, कुछ खा को दूध वगैरह पी, को बादाम को ठंडाई वगैरह है, खुश्की हो गई है जरा। अबू हुरैरा अपनी चादर फैला, अपना झोली फैला, झोली फैला। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं आगे कौन है? सहाबी कौन है? वाबी होता कहता क्यों फैला, मैं नहीं फैला, मैं जो मांगूंगा अल्लाह, मैं वसीला नहीं मांगता, वसीला शेर कुछ मिलता उसको है? वो जो थोड़ी सी खुश्की थी वो चार गुना और ज्यादा होती है, कूड़ा हो जाता उसका। ये मानते वो से अभी थे वहाबी। हुजूर फरमा रहे हैं उब सोच फैलाओ ले दा का अपनी चादर, या अबू हुरैरा चादर फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने चादर फैलाई, आप तो चादर लेते ही, आप क्या लेंगे, औरतें नहीं लेती आपकी, गर्मी लगती है, वैसे थ्री पीस का सूट पहन के जकड़े यू होंगे जैसे कैदी होते हैं, उस वक्त गर्मी नहीं लगती, चादर हो जरूरत पड़े ऊपर ओढ़ ली, जरूरत पड़े नीचे बिछा ली, साफ कर लिया, कोई कपड़े खराब हो गए ऊपर ओढ़ ली, दस काम आती है, मगर आप ओढ़ते नहीं, उनके पास चादर उतनी ही ज्यादा मिलेगी ना, ठीक है ना। उन्होंने चादर फैलाई,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों की बोक ओक जो भी इस तरह कहे यूं बना बना के डाल रहे, नजर कुछ नहीं की। सुनो शेर कैसा प्यारा कहते हैं, फरमाया मालिक कौनैन है आस कुछ रखते नहीं। अदब देखो कितनी प्यारी बात, पहले कहा कौनैन के मालिक है, दोनों जहान के पास कुछ नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं समझना के कंगाल है, नहीं मालिक कौनैन। लेकिन दुनिया को पसंद अपने पास जमा नहीं किया, लेकिन ये ना समझना खाली है, मालिक मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमते हैं उनके खाली हाथ में। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत उलमाए सुन्नत। बज़ाहिर हाथ खाली है मगर सिर्फ नजर खाली आ रहे हैं, खाली दो जहां की नेमते हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर डाल रहे हैं, अबू हुरैरा भी आगे से कह रहे हैं हुजूर ये खाली हाथ डाल रहे हैं, मैंने तो आपदा मांगा, आप ये खाली क्या डाल रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो सहाबी थे वहाबी, एतराज नहीं किया, जान रहे थे कुछ डाल रहे हैं। हुजूर ने डाला, फरमाया ऐ अबू हुरैरा इस चादर को इकट्ठा करके अपने सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया, क्या नतीजा निकला? वो कहते हैं जो बातें मुझे भूल गई थी वो भी याद आ गई। और उसके बाद मां नसी तो कत्तो, मैं उसके बाद कभी कुछ भूला नहीं। मुश्किल आई तो कहां आए नबी के पास, नबी ने मुश्किल हल की या नहीं की? सहाबी का अकीदा यह है नबी मुश्किल, नबी मुश्किल। हम भी कहते हैं मुश्किल जो आप पड़ी कभी, आका तेरे ही नाम से टली, क्योंकि मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दुरूद और सलाम। मानते हैं? कितने मानते हैं? सब मानते हैं। पढ़ो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि। ये दुरूद पढ़ते हैं क्योंकि आका मुश्किल कुशा, आका मुश्किल मुश्किल कुशा। ये हदीस भी आपने सुनी होगी, फिर सुन ले सहाबी का अकीदा। एक सहाबी है आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुजूर मुझे ये जिल्दी बीमारी स्किन डिजीज, जिल्द पर खाल पर बीमारी हो गई, एलर्जी आपके यहां कहते हैं फिंसियां निकल आई है, फोड़े बनते जा रहे हैं। तो नबी पाक ने यह नहीं फरमाया कि जाओ किसी हकीम से दवा लो, वो कोई माजून बना देगा, कोई मरम बना देगा, कुछ खाओ कुछ लगाओ ठीक हो जाओगे, नहीं। हुजूर ने फरमाया कपड़े उतार के मेरे सामने लेट जा। वो कहते हैं मैंने कपड़े उतार दिए, जितना हिस्सा छुपाना था उसके अलावा बाकी कपड़े, कितना हिस्सा छुपाना चाहिए मर्द को? नाप से घुटने तक छुपाना लाजमी, नाप से, इसको सतरे औरत कहते हैं, छुपाने वाली जगह। औरत के माने ही छुपाने के हैं, और आजकल औरत को ये माना आते कहती हम दिखाने की चीज है, छुपाने की थोड़ी है। मैंने एक जगह कह दिया तकरीर में, औरत अपने शौहर के लिए बने सवरे तो इबादत, दूसरे के लिए बने सवरे तो जायज नहीं। कहने की फिर बनने सवरने का फायदा क्या है? ये तो सोच है आजकल, बताएं किधर जाए। नाप से घुटने तक मर्द को छुपाना लाजमी है, ये सतरा का हिस्सा। वो कहते मैंने इतना हिस्सा छुपा लिया, बाकी कपड़े उतार दिए, नबी पाक के सामने लेट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी थूक मुबारक डाली मेरे बदन पर, अपनी थूक मुबारक लुआबे दहन डाली, अपने हाथों से मल दिया, मेरी बीमारी दूर हो गई, मेरी बीमारी
ये किसका अकीदा है? आपके यहां भी तो मरीज होते हैं ना, खारिश के, फिंसियां फोड़े, जल्दी अमराज। तो ये जो आपके यहां जैसे ऐसे को मरीज हो ना, इनको किसी इनके मुल्ला के पास ले जाओ। जानते हैं ना हदीस में कह रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक मुबारक डाली थी, फिंसियां फोड़े दूर हो गए थे। तुम कहते हो नबी हमारे जैसा बशर, जरा डालो ना इस पे थूक, और खुदा के लिए ऐसा करना लेना, वरना फिंसियां नहीं होंगी तो पड़ जाएंगी। खुदा के लिए कहीं करना बैठना ऐसा, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, कहीं तुम शौक में आके जरा आजमाने चले जाओ, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इनकी थूक में इतनी बरकत है, बल्दिया ने जगह जगह लिख के लगाया हुआ है, थूकना मना, थूकिए मत, क्योंकि उनको पता है जहां ये थूकेंगे वहां माशाल्लाह क्या क्या होगा। ये मेरे नबी पाक थे, उनकी थूक मुबारक में इतनी बरकत। बदर का मैदान, जंगे बदर, हजरत मुआबद और माद, वो जिन्होंने अबू जाल को मारा, उसमें से एक भाई पर काफिरों ने तलवार चलाई, उसका बाजू कट गया, हड्डी का जोड़ तो खुल गया मगर गोश का तस्मा, खाल अभी जुड़ी हुई थी। सहाबा उसी हालत में उस नौजवान को उठाकर नबी पाक के पास ले आए, हुजूर ने अपनी थूक मुबारक लगाकर वो बाजू बांध दी और उस पर कपड़ा चढ़ा दिया। तीन दिन के बाद खोला तो वहां कटने का निशान भी नहीं था। अल्लाह, ये सहाबी का अकीदा है, वो जानता है कि नबी के लुआबे दहन में इतनी बरकतें हैं। सुनो, कितनी बरकतें हैं, खारे कुएं में डाल दें मीठा हो जाए, अंधी आंखों में डाल दें बीना हो जाए, नहीं नहीं, जिस खाक पे डाल दी उसको खाके शिफा बना दिया। वो जानते थे ये नबी वो है जो हर मर्ज को दूर करता है, ये मुश्किल कुशा है। ये किसका अकीदा है? किसका अकीदा है? सहाबी का, नबी पाक के फुजलाते मुबारक, वो चीजें जो जिस्म से निकलती हैं। मेरा और आपका पेशाब नापाक है, नबी पाक का पेशाब मुबारक पाक था। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जैसा बना दे बना सकता है या नहीं? आप सोच में पड़ जाएंगे कैसे हो सकता है। ये जमीन से सारे दरख्त निकलते हैं ना, हर लकड़ी में खुशबू होती है, संदल में क्यों होती है? पूछना चाहता हूं किसने बनाई है? अल्लाह ने। तो अल्लाह अगर किसी के फुजलात को पाक बना दे, हम एतराज कर सकते? अगर नबी पाक के फुजलात पाक ना होते, किसी को जरूरत होती एतराज करने की कि देखो नबी में ऐसा नक्श था, तो अल्लाह ने उस बेऐब को बेऐब बनाया है। बेऐब है, अल्लाह का बेऐब होना और नबी का बेऐब होना बराबर नहीं है। अल्लाह खुद से बेऐब है, नबी को उसने बेऐब बनाया, दोनों में बराबरी नहीं है। शराकत और बराबरी हम मानते नबी पाक अल्लाह की मिसल भी नहीं है, वो खुदा भी नहीं है, खुदा से जुदा भी नहीं है। वो क्या है ये रब जानता है, वो क्या है ये हमें तो बस इतना पता है, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। उनकी हकीकत को रब के सिवा कोई जानता नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी पाक की बड़ी शान से आपी आ रहा है, मुश्किल हल हो रही है, भूल पड़ गई तो नबी के पास, बिंदियां हो गई तो नबी के पास, पता क्या चला सियापी का कीता ये है, हम पर कोई जाहिरी बात नहीं, जो मुश्किल आए नबी की बारगाह में हल हो जाती है, नबी उसको हल कर देता। ये किसका अकीदा है? किसका अकीदा है? जंगे खंदक, जंगे अहजाब भी कहते हैं, मदीना मुनवरा के अतराफ खंदक खोदी गई काफिरों से मुकाबला करना था। खंदक बनाने के लिए जब खोदी गई तो एक चट्टान थी, चट्टान, और चट्टान तोड़ना आसान, सहाबा ने तोड़ी, तोड़ने वाला वो जो था औजार गिनती कहते हैं आपके यहां, गिनती आज की जबान में, उन्होंने वो चलाई मगर चट्टान टूटती, दो दो ने मिलकर चलाई कोई फर्क पड़ता नहीं, चार ने चलाई, दस ने चलाई, नहीं टूटी। हुजूर के पास आ गए, हुजूर
वो चट्टान एक आ गई है, टूट नहीं रही। तो नबी पाक ने ये नहीं कहा कोई पहलवान ढूंढो लाओ भाई तगड़ा आदमी, नहीं, हुजूर ने वो औजार उठाया, एक ही मारी वो दोस्तों खड़े हो गई। नहीं नहीं ये तो चट्टान थी, मेरा नबी वो है जिसने उंगली का एक इशारा किया था चांद को दो टुकड़े कर दिया। उनकी जाहिरी ताकत का भी कोई ठिकाना नहीं। रुकाना अरब का मशहूर पहलवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हुजूर ने फरमाया मुसलमान हो जा, तू बड़ा पहलवान है, उस जमाने का बोल पहलवान समझ ले, फरमाया मुसलमान हो जा। उसने कहा जी मेरी एक शर्त पूरी कर दे, हो जाओ। उसने कहा जी ठीक है, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी है, आपका चेहरा बहुत अच्छा, आपकी आदतें बहुत अच्छी, बातें बड़ी प्यारी, मगर मेरे नजदीक जो कमाल है वो ये है कि बहादुर होना चाहिए, तो अगर आप मुझे कुश्ती में पटा दे गिरा दे मैं मुसलमान हो जाऊंगा। पर महाराज नबी की शान, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि वो जो सूखे टुकड़े खाते थे पहलवानों से बढ़कर ताकत रखते थे, उनके अंदर जो ताकत थी वो सिर्फ इस बेयाद से नहीं था, उसके लिए हुई थी। उसने कहा आपने कमा लिया, उसने कहा ठीक है, उसने कहा आप दो चार को बैठ बैठ कर जो भी लगाते हैं पहलवानों की तरह आपने आपको बिठाती है, उसने कहा ठीक हो रहा है, उसने हाथ लगाया, उसने हाथ को उठा के एक ही तरह पहन वो है आप, मैं इतना बड़ा पहलवान हूं मेरे सामने नहीं आता, इन्होंने कहने की तरह बच्चे की तरह उठा के बैठ गया। वो क्या है अगर आप समझ नहीं आए, मैं शायद पूरी तरह से मिला लेकर एक बार बात है शौक करा था वो गिरने का, आने का शौक, जलील होने का शौक, आने के शौक अलग अलग होते हैं। सैकड़ों कुश्तियां मैंने लड़ी, मेरे सामने अगला आने से कांपता है, ये बच्चे की तरह उठा देते हैं। क्या लगा साहब एक मर्तबा और, एक मर्तबा और। हुजूर ने फरमाया अच्छी तरह तैयार हो रहे, बाद में ना कहिएगा, बाद में ना कहना। उसने जनाब अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक करके जरा जोर देख के देख लिया कि मैं वाकई होश में हूं। हुजूर ने फरमाया आप तैयार है जी? तैयार। हुजूर ने फिर उछाला कहने लगा जी मैं मानता हूं मुझे कोई नहीं गिरा सकता, आप बच्चे की तरह गिरा रहे हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो मुसलमान हो गए। इसी बात पर वो बात क्या समझे आप, वो था मुशरिक, मुसलमान नहीं था ना उस वक्त जब कुश्ती लड़ रहा था। मुशरिक को समझ आ गई कि ये नबी कमाल वाला है, ये कलमा पढ़ने वालों को नबी का कमाल क्यों नजर नहीं आता, सोचने की बात है। अबू जहल का ईमान बताऊं, हालांकि वो बेईमान था लेकिन उसका जो उस वक्त हाल था सुने, जमीन से उठाई उसने चंद कंकरियां, छोटे छोटे कंकर पत्थर के टुकड़े, मुट्ठी बंद करके नबी के पास आ गया। मौलाना रूम ने मसनवी में यह वाकया लिखा, गर रसूली चीस्त दर दस्तम नेहा, कहने लगा तू दावा करता है अल्लाह का रसूल है और तुझे सब खबर है आसमानों की भी, सब जानता है, ये बता मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में। अबू जाल का अकीदा है कि जो बात चीज छुपी हुई है नबी को पता होती है, गैब का इल्म नबी को, गैब छुपी हुई बात ना, जो हवास से छुपी हुई हो, मां बाप अनिल हवास, जो आपके हवास से पोशीदा है उसको गैब कहते हैं। अबू जाल मानता है नबी को छुपी हुई बात का इल्म है। मुसलमान कहलाने वाले हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं जानते, उनको नहीं पता था दीवार के पीछे क्या है, वो तुम्हारा होगा जिसको नहीं पता, मेरे नबी को सब खबर, सब खबर और सब की खबर, सब खबर और सब की खबर। नबी बेखबर नहीं, बेखबर नबी होता नहीं। सुने सुने अबू जाल कह रहा है बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है,
नबी पाक ने फरमाया मानेगा? उसने कहा बताएंगे तो मानूंगा, हालांकि उसने मानना मोर लग चुकी थी, वो कैसे मानता। हुजूर ने फरमाया अबू जहल तूने एक सवाल किया है, एक बात पूछी है, मैं दो करके दिखाऊंगा। तूने तो एक बात पूछी है, मैं दो दिखाऊंगा। उसने कहा वो क्या? फरमाया तेरी मुट्ठी में क्या है ये मैं बताऊंगा, और तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी मैं कौन हूं। कहने लगा क्या ऐसा होगा? फरमाया हाँ होगा, मगर तू फिर भी नहीं मानेगा। कहने लगा बताए क्या है? फरमाया तेरे हाथ में पत्थर के टुकड़े हैं और वो भी छह हैं। कंकर हैं और कितने हैं? छह। गिनती भी बता दी नबी पाक ने। फरमाया अब जरा मुट्ठी कान के करीब कर। उसने मुट्ठी अपनी कान के करीब की, हर पत्थर से आवाज आई अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने नबी की गवाही दी, नबी की गवाही। अबू जहल ने मुट्ठी फेंक दी, कहने लगा तुझसे बड़ा जादूगर कोई नहीं। महाज अल्लाह वो माना, उसने नबी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह उससे बचाए, लेकिन बता रहा हूं वो माना नहीं। लेकिन उसका भी अकीदा है नबी को खबर, नबी को खबर है। नहीं नहीं, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक के चचा, बड़े प्यारे चचा, बदर में काफिरों की तरफ से लड़ने आए, कैदी हो गए। और तय ये पाया जो बदर में कैदी हुए हैं काफिर, इनको कहा जाए कि ये फिदिया दे, टैक्स दे दे और रिहाई हासिल कर ले। 4000 दिरहम मुकर्रर हुए, जो दे दे रिहाई ले ले। हुजूर ने अपने चचा से फरमाया चचा तुम भी लाओ फिदिया दो, रिहाई पालो। कहने लगे भतीजे तुझे तो पता है मेरे पास कुछ नहीं। फरमाया घर से मंगवाओ, तुम्हारे पास इस वक्त कुछ नहीं तो घर से मंगवाओ। उसने कहा घर में भी कुछ? हुजूर ने फरमाया चचा बगैर फिदिये के तो रिहाई नहीं मिलेगी, मंगवाना पड़ेगा। वो कहने लगे मेरे पास तो है कुछ नहीं। जब उन्होंने इनकार किया ना तो नबी पाक ने कहा चचा गलत कहते हो, जब मक्के से चले थे दरवाजा बंद करके मेरी चची उम्मुल फजल को सोने की इतनी बड़ी ईंट देकर आए थे या नहीं आए थे? और साथ में यह कहा था कि अगर मैं वापस आ गया तो फिर मैं जानू किस तरह इस्तेमाल करना है, वरना ये तेरे लिए काफी होगी। बोलो सोने की इतनी बड़ी ईंट देके आए थे या नहीं? हजरत अब्बास पर लाश आता है, जनाबे हजरत अब्बास पर तराशा हुआ तारी। कांपने लग गए, क्या है? मैं वहां पर 300 मील दूर बंद कमरे में जो कुछ कर रहा हूं कह रहा हूं, नबी सुन भी रहा है देख भी रहा है। जनाबे हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी के पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबर सारी। इनको तो सब खबर है, इनसे कुछ छुपा हुआ नहीं। वो मान रहे हैं मुसलमान हो गए, वो मान रहे हैं कि नबी सब कुछ देख रहा है, नबी को सब खबर। और आज का मुल्ला कहलाने वाला कहे नबी को खबर नहीं तो ये खुद बेखबर है, नबी बाखबर है। और जिससे रब नहीं छुपा उससे कुछ और क्या छुपना है। सुने सहाबियों का अकीदा सुने। हजरत अबू हुरैरा की एक बात और सुना देता हूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 3 दिन हो गए मुझे कुछ खाने को ना मिला। इस्लाम की कदर उनको थी, आज आप पराठे खा के भी कदर करते नहीं। आपको मुसलमानी पर नाज नहीं, दाढ़ी मुंडाएंगे, सर नहीं ढांकेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, दुरूद नहीं पढ़ेंगे, काफिरों की अदाएं। एक तरफ कहते हैं कश्मीर पता करेंगे, दूसरी तरफ इंडिया की फिल्में देखते हैं, गाने उनके गाते हैं। नौजवान तो क्या करेंगे, ये आपको तलवारों से नहीं पता करना चाहते, बेगैरत बनाना चाहते ताकि आप उनके साथ लड़ने के काबिल ना।
हमारा नौजवान जाएगा, बाल ऐसे काटो जैसे फलाने एक्टर के हैं, फलाने क्रिकेटर के हैं। शौक तो अब ये है, कितने लोग हैं जो कहते हो उस तरह बाल बना दो जैसे नबी के होते थे। कितने हैं? सुने सुने, हजरत अबू हुरैरा अस्हाबे सुफा में से थे नबी के वो 70 सहाबा, जिनमें से किसी के पास दो कपड़ों से ज्यादा नहीं थे, अक्सर के पास एक कपड़ा था, उसी को ओढ़ते थे, उसी को पहनते थे, कुछ मिल जाता था खा लेते थे, वरना मांगते नहीं थे। नबी पाक के दरवाजे के सामने बैठे रहते थे, उनकी यही इबादत थी, नबी की दे नबी की दीद, नबी की जियारत करना ही उनका मशगला था। उनमें से हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, 3 दिन मुझे कुछ खाने को कमजोरी हो गई, भूख ने मुझे सताया, मेरा दिल चाहा कि मैं किसी तरह खाना हासिल करूं, तो अब मांगते नहीं है, गैरत गवारा नहीं करती कि हाथ फैलाए। हजरत अबू बकर गुजरे, उन्होंने बुलाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक मसला जो मुझे मालूम था मैंने उनसे पूछा, मसला मुझे आता था मगर मैंने क्यों बुलाया, क्यों बात की, कि ये मेरी तरफ देखेंगे, इनको मेरा रंग पीला नजर आएगा, आवाज खुश्क नजर आएगी, कमजोरी महसूस करेंगे तो शायद कुछ खिला देंगे। मांगा सवाल किया उनसे, हजरत अबू बकर ने जवाब दे दिया, चले गए, तवज्जो ध्यान नहीं दिया, शक्ल की तरफ या आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस मसला सुना बता दिया, तशरीफ ले गए। हजरत उमर फारूक गुजरे, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने उनको भी बुलाया, उनसे भी एक मसला पूछा, जो मसला मुझे आता था, मेरा ख्याल यही था शायद ये तवज्जो कर लेंगे, उन्होंने भी तवज्जो नहीं की, मसला बता दिया वो भी। फरमाते मेरी उम्मीद टूट गई कि इस तरह भी बात नहीं बनेगी, फिर भी हाथ फैलाया। इतने में वो बेबसों के बस, बेकसों के कस, वो बेचारों का चारा, वो नबी हमारा आ गया। हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाया अबू हुरैरा आ जा, ये दूध का प्याला कहीं से आया है, दूध का प्याला किसी ने भेजा है, आ जा पी ले और सबको ले आ। 70 को, सारे असहाबे सुफा 70 को। हजरत अबू हुरैरा कहते, मेरे दिल में ख्याल आया, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे दे देते पूरा प्याला, मैं पी लेता, मुझे थोड़ी सी तस्कीन हो जाती, कुछ मेरा आसरा हो जाता। ये कहते हैं 70 को ले आ, तो 70 के हिस्से में एक एक कतरा ही आएगा ना, मगर नबी का हुक्म था, मैं टाल नहीं सकता था, सबको लेके आ गया। हुजूर ने फरमाया सब बैठ जाओ। अबू हुरैरा ये ले प्याला, दाएं हाथ की तरफ से शुरू कर, जबको महफिल में बैठे हो दाएं तरफ से शुरू करना, सुन्नत फरमाया दाएं तरफ वाले आदमी को दे। हजरत अबू हुरैरा फिर उस वक्त के हुजूर, पहले मुझे कह देते, मैं पहले पी लेता, ये शख्स तो हो सकता है इतना भूखा ना हो, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा भूख की शिद्दत महसूस कर रहा हूं। लेकिन नबी का हुक्म था, उन्होंने उसको दिया। जब वो पीने लगा, हजरत अबू हुरैरा देख रहे हैं कि कितना पी रहा है, ये ज्यादा ना पी जाए, कुछ मेरे लिए छोड़ दे। हुजूर ने फरमाया उस सहाबी को, पी जितना तेरा जी चाहता, जी भर के पी। सहाबी पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, जब उनका जी भर गया, उन्होंने हटाया प्याला, फिर उसी तरह पूरे का पूरा। दूध कम होता, हुजूर ने फरमाया दूसरे को दे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 69 को दे दिया दूध कम। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अब तू पी, अब तू पी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने उसको इस तरह पिया कि मैं नाखूनों तक भर गया, नाखूनों तक सैराब हो गया, दूध में कमी, दूध में कमी। आला हजरत झूम उठे, फरमाते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर, शीर दूध को कहते हैं, ऐ अबू हुरैरा वो जो दूध था वो कैसा था, वो कोई आम दूध नहीं था, वो नबी के हाथ से मिला था, इसीलिए कम। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। नबी कह रहा पी और लोगों में ताकत नहीं रही, इतना पी गए कि और जरूरत
नहीं री वो कैसा दूध था, सबने पी लिया, हुजूर ने फरमाया लाओ आप मुझे दे दो, फिर हुजूर ने उसको पिया और खत्म किया। सहाबी का अकीदा ये है कोई मुश्किल हो नबी हल कर देता है। आए बुखारी में हदीस मौजूद, नबी पाक बाल कटवाने बैठे, बाल मुबारक, जो बाल काटता है उसको क्या कहते हैं, और हजाम और खलीफा, किसका खलीफा, और बहरहाल हेयर ड्रेसर, देखे ना जो जिस जिस जगह जाता ना नाम वही पुकारते हैं, वो जिसके पास जाते हैं उसको ऊपर है ना क्या, अच्छा वो भी पढ़े रहते क्या था तक लोग चले हैं दुरुशी पढ़ने की मरतबा अल्लाह हमसे सीना वाला अहमद वारिक वसल हेयर ड्रेसर हैं, बार्बर, अजाम, खलीफा, नाई, जो भी आप नाम रखें, अरबी में कहते हैं हल्लाक, हे लाम अलिफ काफ हल्लाक। हुजूर ने उसको बुलाया, नबी पाक दरमियान से मांग निकालते थे, कहां से, आप कहां से निकालते हैं, आप निकालते हैं टेढ़ी, दिल भी टेढ़े, टेढ़ी मांग निकालने वाले का दिल भी टेढ़ा, दरमियान से निकालते थे। बुलाया उसको, जब नबी पाक ने बुलाया से आपा ने सारे काम छोड़ दिए, जमा हो गए, क्यों, नबी पाक के बाल लेने के लिए, बाल मुबारक, फारसी में मुए मुबारक, अरबी में मुकद्दस शार, शार कहते हैं शेर नीचे जबर लगा देना तो शार, बाल को कहते हैं शार रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस बाल लेने के लिए सहाबा जमा हो गए। हुजूर ने डांटा नहीं, क्यों आए हो, काम करो जाओ, कारोबार छोड़ दिया, इबादत छोड़ दी, सारे आके जमा हो गए, बाल लेने क्या रखा है बालों में, नहीं, नबी पाक ने हरगिज ऐसा ऐसा, आज हमें हुक्म है हम मस्जिद में कंघी ना करें, बाल टूट के गिर जाएगा, हमारा बाल नापाक होता है, जो टूट गया वो नापाक हो गया, लेकिन नबी की ये बात से आपा बाल लेने जमा हो रहे हैं, काम छोड़ के सारे हुजूम हो गया, हुजूर ने मना नहीं फरमाया। हजरत अबू तलहा को जब नबी पाक ने दाई तरफ के बाल तरशवाए, वो हजरत अबू तलहा को दिए, फरमाया लोगों में तकसीम कर दो, ये जो मेरे बाल लेने आए हैं इनका अकीदा है मेरे बालों में बरकत है तो इनका अकीदा गलत नहीं, लो मेरे बाल इनमें तकसीम कर दो, नारे तकबीर अल्लाह, नारे ठंडे हो गया। सुने नबी पाक ने बाई तरफ के बाल मुबारक तरशवाए, वो भी हजरत अबू तलहा अंसारी को दिए, फरमाया अक्सिम हो बैनन्नास, लोगों में तकसीम कर दो, सहाबी बाल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्यों, तबर्रुक, बरकत के लिए, बरकत के लिए, तबर्रुक बनाकर रखने के लिए। हुजूर ने क्या ऐलान फरमाया था, जब मैं बाल कटवाऊं सारे जमा हो जाना, बताइए कोई आयत उतरी थी कि जब नबी बाल कटवाए तो सारे जमा हो जाना, सहाबा ने यह अकीदा लिया कहां से था, कुरान से, कहां से लिया था, कुरान से, वो कुरान पढ़ते थे सुनते थे, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाई जब तीसरी मर्तबा आए, हजरत यूसुफ ने उनसे पूछा बताओ अब्बा जान का क्या हाल है, भाइयों ने कहा गम की वजह से उनकी आंखें सफेद हो गई, क्या हो गई है, उसको यहाँ पर आप आंखों के स्पेशलिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे,
अब तो लेजर बढ़ने का है, जितना इलाज हो गया तो हम उठाएंगे आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और लेजर करवा के देंगे। कोई ऐसी बात नहीं, वहां पड़े उन्होंने कहा چنانچہ اب وہ بال لے کر کیا کرتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی پاک بی بی زوجہ محترمہ، انہوں نے چاندی کی ڈبیا بنائی، پائپ کی شکل، نالی نلی ٹیوب کی شکل کی، لمبی چاندی کی، اس میں رکھا نبی پاک کا بال مبارک۔ لمبی کیوں بنائی؟ کہ انہوں نے نبی کے بال کو موڑنا بھی بے ادبی سمجھا، سیدھی بنائی کہ سیدھا بال رکھنا، لمبی ڈبیا کر دی بند، کھولتی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں کسی کو بخار ہو جائے، بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، وہ لاتے تھے مائی صاحبہ کے پاس پانی کا پیالہ، مائی صاحبہ بال نہیں نکالتی، ڈبیا نہیں کھولتی، وہ ڈبیا پانی میں گما دیتی ہے، مریض وہ پانی پیتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پانی جس کا تعلق نبی کے بالوں سے ہو گیا، اس میں کیا آ گئی؟ برکت اور شفا۔ سنیں، برکت نبی کی آئی بالوں میں، بال لگا ڈبیا سے برکت آ گئی، ڈبیا میں ڈبیا گئی، پانی میں برکت کہاں گئی؟ پانی میں پانی گیا، مریض میں برکت پہنچی، وہاں تو بیماری آ گئی باہر۔ یہ کن کے عقیدے ہیں؟ ذرا اونچی صحابی کے۔ میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھو، مزید واقعات پڑھنے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس نبی پاک کے ناخن مبارک تھے، وصیت کی جب میں مر جاؤں میری آنکھوں میں رکھ دینا۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ کس کا؟ حضرت خالد بن ولید، سب کہیں رضی اللہ تعالی۔ باپ نبی کا دشمن، بیٹا نبی کا جانے سار۔ خالد حضور کے غلام صحابی، ان کا باپ ولید جس کی مذمت میں قرآن کی سورتیں اتری۔ اللہ کی قدرت ہے نا، اس شیطان کے گھر میں صحابی، وہ صحابی جو مسلمانوں کا سپہ سالار، جس کو حضور نے لقب دیا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ شان بے نیازی ہے اللہ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کے گھر میں جو عورت ہے وہ مسلمان نہیں، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا اللہ کا دشمن، اس کے گھر میں جو بیوی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ حضرت آسیہ، آپ پریشان ہوں گے، فرعون میں مردانہ صلاحیت، سمجھ گئے بات کو، اولاد کے قابل، اب سمجھے ہو، میڈیکلی انفٹ، اب سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے تو بس جتنا سمجھایا اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اگر اتنی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اور نہیں کہہ سکتا۔ سنے سنے میرے دوستو بزرگو، یہ اللہ کی شان بے نیازی، وہ حضرت خالد، نبی پاک نے ان کو اپنی پیشانی کے سامنے کے کچھ بال عطا فرمائے تھے، انہوں نے ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا، جب کسی جنگ پہ جاتے وہ ٹوپی پہن کر جاتے، اس پر پگڑی باندھتے اور کہتے ان بالوں کی وجہ سے اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مجھے جو شفا ملتی ہے یہ میرا کمال نہیں، نبی کے بالوں کی برکت، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ چنانچہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، ٹوپی گر گئی، جا
जब टोपी गिर गई लड़ना भूल गए उस टोपी को, कह रहे मुझे ये जल्दी से टोपी उठा के दो। एक सियापी ने उठा दी और कहा खालिद इस वक्त होश कर, घमसान की जंग हो रही, कोई तीर आके लग जाए कोई तलवार, लोग लड़ रहे, तू इस टोपी के पीछे चाराने की टोपी है और बना लेना। हजरत खालिद कहते हैं ये टोपी तो चाराने की है मगर जो चीज इसमें है उसकी तो कोई कीमत दे नहीं सकता, मुझे शिफा मुझे बरकत और पता मिलती है इसी टोपी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर नबी के बाल मुबारक है। ये किसका अकीदा है? जरा ऊंची मुसनद अहमद हदीस की मशहूर किताब, अल मुस्तदरक हदीस की मशहूर किताब, और इसके अलावा इब्ने असाकिर उसमें भी रिवायत मौजूद। तवज्जो से सुने, तवज्जो से। जिन दिनों में मरवान मदीने का हाकिम था, ये बड़ा गुस्ताख था, अल्लाह बचाए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने इस पे लानत तक लिखी। ये मदीने का जिन दिनों में गवर्नर बन गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर आया, इसने देखा एक आदमी नबी पाक की कब्र मुबारक पर मुंह रखे बैठा है। क्या रखे बैठा है? सबकी आवाज चाहिए। अब मुंह रखने की हालतें मुझे बताओ, या तो सीधा रखा हो, सीधा रखा हो तो आप मुंह रखना नहीं कहते, माथा रखना कहते हैं, ठीक है ना, बाहर मुंह भी रख सकते हैं आप, या तो सीधा रखा या दाएं रुखसार पे रखा, या इसके अलावा कोई और हालत है बताइए। वो कहते हैं मैंने एक शख्स को देखा, वो नबी पाक की कब्र पर मुंह रख के बैठा है, इसने मरवान ने उनको गर्दन से पकड़ा और पकड़ के उठाया, क्या कर रहा है तू, कौन है, क्या कर रहा है। जब उसने गर्दन से उठाया तो वो कौन थे, वो कौन हस्ती थी? वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला, वो जिनके घर में नबी पाक आकर ठहरे थे जब मदीना पहुंचे थे। ये हजरत अबू अय्यूब का घर नहीं था, तुब्बा बादशाह ने बना के दिया हुआ था, नबी का घर था, वो नबी पाक के लिए बनाया हुआ था। कभी ये वाकया भी मुझसे सुन लेना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो फरमाए। जब उसने देखा हजरत अबू अय्यूब अंसारी को, पूछा क्या कर रहे हो? अब आवाज तवज्जो से सुने सहाबी का अकीदा। वो कहते हैं लम आतिल हजर, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया। सहाबी क्या कहते हैं? मैं किसी पत्थर के पास, जरा ऊंची, पत्थर के पास नहीं आया। जी तो रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह के पास आया हूं। क्या मतलब? सहाबी का कीदा ये है, नबी जिंदा है, हुजूर ने फरमाया नहीं रोना, जब अच्छा हाकिम हो, जब बुरा हाकिम हो तो रोना, मैं आके रो रहा हूँ। आका आप थे तो कितने मजे थे, अब ये बेईमान है रो रहा हूँ, आका की गोद में मुंह रख के रो रहा हूँ। मुंह भी रखा हुआ है, आज अब मुंह रख ले होंठ रख दे, बोलो शेर का पतवा लगता है या नहीं? सिहापी रख रहा, कौन रख रहा है, कौन, कौन सहाबी। पता चला ये गलत बात नहीं। आज नबी पाक के मुकद्दस रोजे को चूमना, उनकी जाली को चूमना कहते शिर्क। वहां जो फिरते ना वो कहते हद्दा, ये तो लोहा है, इसको क्यों चूम रहे हो? तो हम भी मानते हैं लोहा है, और दुनिया में हो सकता है उससे कई बेहतरीन किस्म के लोहे हो, रंग बिरंगे लोहे हो, अच्छे अच्छे डिजाइन के बहुत आला कीमत के लोहे हो, हम लोहा नहीं चूम रहे, हम तो उस लोहे की किस्मत पे भी नाज कर रहे हैं। वो कैसा लोहा है जो सरकार के रोजे पे लगा हुआ है? वो सीमेंट अच्छा, वो मट्टी अच्छी, वो पत्थर अच्छा जो वहां लगा हुआ है। दुनिया के किसी और पत्थर को ये नाज नहीं मिला, उसको मकाम मिला है, तो वो तो मुबारक। अब हम उसको क्यों चूमते हैं ये मसला भी समझाना पड़ेगा। आप में से जितने लोगों को सआदत मिली है, अल्लाह हम सबको नसीब करे, हम हज करें उमरा करें, अल्लाह सबको बार बार ये सआदत नसीब करे। जब जाते हैं काबे का तवाफ, जब करते हैं काबे का तवाफ, शुरू होता है हजरे अस्वद के बोसे से,
हजरत यूसुफ को जानते हैं? नहीं जानते? काबे की दीवार में लगा हुआ एक पत्थर आपको फोटो में नजर आता होगा, चांदी का एक कटोरा है, उसमें एक पत्थर लगा हुआ है। वो सारा पत्थर हजरे अस्वद नहीं है, ये भी सुन लेना। वो जो चांदी के कटोरे में पूरा पत्थर है उसका नाम हजरे अस्वद नहीं, उसके अंदर छोटे छोटे चार पांच टुकड़े हैं, वो हजरे अस्वद है। ये जन्नत का पत्थर है, जब आया था सफेद था, लोगों के गुनाह देखकर काला हो गया। लोगों के गुनाह देखकर अंदाजा करो, जब जन्नत के एक पत्थर की ये शान है, जन्नत के मालिक की कितनी शान होगी। मेरा नबी अल्लाह की अता से जन्नत का, जन्नत का, जन्नत का, जो मानता वो बोले मेरा नबी जन्नत का, जो नहीं मानता वो सुन ले मेरे नबी ने जन्नत दी या नहीं दी। सहाबा मांगते थे, ये जो स्टैंड है माइक स्टैंड, मैं आपको दे सकता हूं? पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ुअमाए अहले सुन्नत। आप लोग तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तवज्जो। ये स्टैंड मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता कि मैं मालिक, और अगर मैं कहूंगा भी किसने लेना है तो वो उठ के आ जाएंगे फौरन, साउंड सिस्टम वाले। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये सूफी अभी पारसी साहब है। किसी शुबे में ना पड़ जाना, लोग घूर घूर के देखते हैं। सुने, तवज्जो करें। बढ़िया बढ़िया। मैं अगर आपको ये कहूं के ले लो, ये म्यूज आ जाएंगे आपके साउंड सिस्टम वाले। मौलाना साहब तकरीर करने के लिए दिया, तकरीर करो, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। आप आगे दे रहे हैं, आपका नहीं है। मैं इसका मालिक, तो जिसका मालिक नहीं मैं दे सकता। मेरा नबी जन्नत दे रहा है, पता चला जन्नत के मालिक हैं। जन्नत के, फरमाया अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, जुबैर तुम जन्नती, साद तुम जन्नती, सईद तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती, अबू उबैदा तुम जन्नती, अब्दुल रहमान तुम जन्नती। पता चला मेरा नबी जन्नत का, जन्नत का। अपनी बेटी से फरमाया तू जन्नत की औरतों की सरदार, अपने बेटों से फरमाया तुम जन्नत के नौजवानों के सरदार। नहीं नहीं, फरमाया तूबा लिमन रआनी, जिसने मुझे देखा उसके लिए खुशखबरी है। इसकी तफसीर उलमा ने की कि उसके लिए जन्नत है। नहीं नहीं, फरमाया जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसके लिए भी जन्नत है। मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा उसके लिए भी जन्नत है, उसके लिए भी खुशखबरी। पता चला वो जन्नत के, इसीलिए सहाबा जन्नत मांगते थे, मांगते थे, और उनको जन्नत मिलती थी। हदीसों से साबित, सहाबा ने मांगी। नहीं नहीं, इमाम गजाली फरमाते हैं अल्लाह ने नबी पाक को जन्नत का मालिक बना दिया, उस जन्नत में जिसको चाहे जितनी चाहे जागीर अता फरमा दे, क्योंकि नबी को अल्लाह ने जन्नत का मालिक बना दिया। नबी दे सकता है, हम दे सकते, दे सकते। सहाबी का अकीदा नबी से जो मांगे मिलता है, जो मांगे मिलता है। मेरी नजर अब गई है घड़ी पे, दो घंटे हो गए और मैंने देखा नहीं घड़ी को। सुने, अब समेट रहा हूं तकरीर को, सिर्फ एक वाक्य और उसके बाद खत्म। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो फरमाए, हमें वो अकीदे इख्तियार करने होंगे जो सहाबा के अकीदे हैं। सहाबा जानते हैं नबी हर मुश्किल को हल करता है, नबी का जो भी इख्तियार है सहाबी मानता है। आज जो अपने आप को सिपाही सहाबा कहते हैं, अगर सहाबा वाले अकीदे नहीं है तो ये सिपाही सहाबा कहला सकते नहीं। ये वहाबी जरूर है, गुलामे से आबी नहीं। सुने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सुने, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला
अल्लाह वालों का नाम सुने तो कहा करें रदी अल्लाह ताला, सहाबी हो ताबई हो वली कामिल सच्चे मोमिन के लिए कह सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, सिर्फ सहाबा को, सूरह बय्यना की आखिरी आयत पढ़ लेना, उसमें जवाब है जो ईमान लाए नेक अमल किए रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, तो ईमान वालों को जिनके ईमान का शुबा नहीं है उनको रदी अल्लाह अन कह सकते। जरा ऊंची, सबूत कुरान में है। हजरत हुज़ैफ़ा अपनी वालिदा से इजाजत लेते हैं, अम्मा जान मुझे इजाजत दो मैं मगरिब की नमाज जाकर नबी पाक के साथ पढूं, अपने लिए और तेरे लिए बख्शिश की दुआ करवाऊं। मां ने इजाजत दी, सहाबी आए नबी पाक के पास, मस्जिद में नबी पाक के साथ नमाज पढ़ी। अदब वाले थे सहाबा, आपकी तरह नहीं बीच में घुस जाए सवाल करना है। वो नबी पाक को देख रहे हैं, हुजूर नमाज पढ़ाने के बाद कुछ वज़ाइफ़ पढ़ते रहे, दूसरों से बात करते रहे, वो दरमियान में दाखिल नहीं हुए। आदाब की भी तालीम होती थी ना, वहां तरबियत भी होती थी। वो कहते हैं इशा का टाइम हो गया, मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। इशा की अजान हुई, सुन्नतें पढ़ी, नमाज हुई, नमाज के बाद नबी पाक मस्जिद से निकले। फरमाते हैं मैं भी मिल नहीं सका था, मैं भी चुपके से नबी पाक के पीछे हो गया। हुजूर को खबर नहीं कि उस जमाने में ये स्ट्रीट लाइट्स, पोल्स, खंबे वगैरह ये सब कुछ नहीं था, अंधेरा था। पीछे पीछे जा रहे हैं और आप सुनते रहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था, वो जिस तरह आगे देखते थे उसी तरह पीछे देखते थे, जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे उसी तरह रात के अंधेरे में देखते थे। इस सहाबी ने अभी तक मुलाकात नहीं की थी, अपने आने की खबर नहीं की थी, अपना मकसद भी बताया नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे देखे बगैर फरमाया ऐ मेरे पीछे आने वाले आ अंता हुज़ैफा, क्या तू हुज़ैफा है? गफर अल्लाहु लका वले उम्मिका, अल्लाह तुझे और तेरी माँ को बख्शे। इसके बाद फरमाया मां हाजतों का, तेरी हाजत क्या है? तो सहाबी ने अर्ज की हुजूर जो तमन्ना लेकर आया था पूछने से पहले ही पूरी हो गई, पूछने से पहले ही। इसीलिए किसी कहने वाले ने खूब कहा, उसने कहा पहले झोली में डाल देते हैं, पहले झोली में डाल देते हैं, उस पे इज़्ने सवाल देते हैं। पहले डाल के कहते हैं मांग, क्या मांगता है? अगला कह रहा है हुजूर बगैर मांगे मिल गया, बगैर मांगे। सहाबी तो आ रहे हैं हाजत पूरी करवाने, और ये कहते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा माने वो मुशरिक। तो क्या ये सहाबा को मुशरिक मानते? पूछे इनसे, सहाबी के अकीदे सुनना चाहते हो? मैंने अहादीस से सुनाए, एक रिवायत गलत साबित कर दे मुझे जिस चौक पे चाहो खड़ा करके गोली मार दो, और अगर सारी रिवायतें सच्ची हैं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मारता, सिर्फ इतना कहूंगा नबी के गुलाम बन जाओ। वो नबी जो हमें मिलाने आया, जो हमें मोहब्बत और तादीम और अमन अता करने आया, जिसने हमें इज्जत दी नहीं, जिसकी वजह से हमें वजूद मिला, उसके नाम पर लड़ाई होनी चाहिए? हमें तो उस नबी के नाम पर एक दूसरे को जमा करना चाहिए, और उसकी एक ही सूरत है, उस नबी से ऐसे वाबस्ता हो जाओ कि उस नबी का दामन थाम लो जिसने उनका दामन थाम लिया बेड़ा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, जकात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा तैबा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हम सबको उसी तरह ईमान लाना है। अल्लाह फरमाता है उस तरह ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। कुरान की आयत और अहादीस से मैंने इस मजमून को बयान किया। अभी ये इतनी बहर है, हमारी उम्रें खत्म हो जाएंगी ये बयान खत्म न हुस्नस
गायते दारत नसाती रा सकुन पाया। ये तो हमारी अल्लाह की, हम तो कहते हैं हम इस पर शुक्र करते हैं अल्लाह की अता है, हमें ये जिक्र करने की तौफीक मिली है, वरना हमसे ये बात बयान हो सकती नहीं। अल्लाह हम सबको सुन्नी रखे, हम सुन्नी जिए, सुन्नी मरे, कयामत में सुन्नी उठें और यही कहते हुए उठें सबसे औला ओ आला आला। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको प्रोग्राम बताया जाएगा, ये कुछ रुकते हैं, इनके जवाब देकर इजाजत। बेरे दोस्त वाला वाकया सुना दीजिए, जो मौजू मुझे दिया था भाई उस पर बयान हो गया। अगर ये फरमाइशी तकरीर करानी है तो एक जलसा और कराऊं, ठीक है ना, उसमें आपकी फरमाइशें पूरी कर दूंगा। रुक्का देने का तरीका ये होता है, ये आपको सिखा रहा हूं आइंदा के लिए सीख लें, कि जो भी रुक्का दे वो अपना नाम नीचे जरूर लिखे और मजमे में मौजूद हो, ताकि पता हो कोई शरारत नहीं कर रहा। कुछ लोग रुक्का दे देते हैं शरारत के लिए, तो ये आजकल बहुत से लोग जिहाद के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, जिहाद की बहुत ज्यादा फजीलत बयान करते हैं, लोगों को ले जाने में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर कोई शख्स जज्बा जिहाद से सरशार होकर जिहाद में जाना चाहे तो किसके साथ जिहाद पर जाना चाहिए? क्या सुन्नियों की कोई जिहादी तंजीम है? बात यह है कि जिहाद फर्ज है। जिहाद किस पर, ये इसकी पूरी एक बहस। बुखारी में हदीस है, एक नौजवान आया हुजूर जिहाद के लिए, लोगों को बुला रहे थे। जब वो आया तो हुजूर ने फरमाया तेरे घर में कौन है? उसने कहा बूढ़े माँ बाप। फरमाया जा उनकी खिदमत कर, तेरा यही जिहाद है। ये नहीं है कि हर एक को निकाल के ले जाए। जिहाद जब फर्ज होता है किसी से, जो मौका हो उस वक्त सब पर, जो मैदान में जाकर जिहाद कर सकते हैं वो मैदान में जाके करें, जो माल से कर सकते हैं वो माल से करें, हर एक की ड्यूटी होती है, जिस तरह शहर में भी और बाहर भी। लेकिन अगर लीडर सही नहीं होगा तो जिहाद जिहाद नहीं होगा। ये उसूल याद करना है। जिस तरह इमाम दुरुस्त नहीं है तो नमाज नमाज नहीं होती, उसकी अपनी नहीं होती, उसके पीछे किसी की भी नहीं होती। अगर लीडर जो जिहाद का कायद है, जनरल है, वो मुसलमान नहीं होगा, उसके पीछे लड़ने वालों का जिहाद जिहाद शुमार हो सकता? ये मेरा मसला नहीं है, ये उसूली मसला है, किसी भी किताब में देख लें आप। तो जो उनके साथ चले जाते हैं, जिस तरह ये लश्कर तैबा वगैरह बदअकीदा लोगों की है, इन लोगों ने बज़ाहिर जिहाद का नाम लिया हुआ लेकिन ये असला जमा कर रहे हैं आपके खिलाफ। आप लोग जागे, आप मुझसे एक वादा करें, आप रोजाना 15 मिनट अपने घर में लगाएंगे, अपने बीवी बच्चों को साथ बिठाएं, खुद अकीदे सीखें, उनको सिखाएं, लगाएंगे? मैं हर तकरीर में ये कहता हूं। और कैसे सीखना है? उलमाए अहले सुन्नत की किताबें ले। हम अल्लाह को कैसे मानते हैं, रसूल को कैसे मानते हैं, इल्म गैब, हाजिर नाजिर, ये वसीला वगैरह, और तमाम अकीदे जो हैं अहले सुन्नत के जिन पर आजकल झगड़े होते हैं, खुद अगर नहीं आते खुद भी सीखें। आपको पढ़ना नहीं आता, किसी बच्चे से पढ़वाएं, 10 मिनट वो पढ़े, आप उस पर समझें, जो बात समझ ना आए अपने किसी आलिम से पूछें। अगर आप छोटी उम्र में बच्चों को सुन्नी बना देंगे फिर उनको कोई बिगाड़ सकता? आप छोड़ देते हैं खुला, उनकी जमीन है खाली, दूसरे बीज बोल के अपनी फसल लगा रहे हैं। तो आप अभी से बच्चों को सुन्नी बनाएं, बनाएंगे? ये आखिरी ऐलान, आल जम्मू कश्मीर सुन्नी जिहाद काउंसिल, लश्कर ए इस्लाम, इसी तरह सुन्नी जिहाद काउंसिल वगैरह जितने हैं, अगर आपने राब्ता करना है इनसे राब्ता करें, इनके साथ मिलकर जिहाद पर जाए। ज़र्ब इस्लाम, दीन अकीदा सुन्नियों के अखबार हैं, ये निकले हैं, आप लोग कोशिश करें इन अखबारों से तआवुन करें, इनकी मदद करें ताकि सुन्नियत का फरोग हो और आपको सही खबरें मिले, क्योंकि इस तरह भी एक जिहाद हो रहा है, इन लोगों की सरपरस्ती करें। ये कुछ किताबों का ऐलान कर रहा हूं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। ये मेरे वाले साहब की किताब है जिक्र जमील, ये वो किताब है, मैं चाहूंगा हर घर में पढ़ी जाए। नबी पाक के सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमाल कितने